हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कस ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स आर अटेंस ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स नोइंग आवर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आल्सो डिवाइडेड फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, coordinate bond and metallic bond. Okay students, now starts first ionic bond. What is the ionic bond? Friends, of the ionic bond depends upon the metal and non-metal electron loses or electron gains, depends upon the ionic bond. Okay students, now the ionic bonds of term condition in metal and non-metal, metal and non-metal, metal tendency of loses of electron, electron lose करता है और ये gain of electron, okay, gain of electron, it loses of electron, loses of electron, metal tendency of the loses of electron, so complete transfer of electron in metal and non metal tendency to postulates of the result of electrostatic force positive and negative ones. Okay students, now metals are the tendency of the positive and non metal are tendency of the negative. For example of the sodium chloride are electron representatives of 2H1 and chlorine are presence of the electron 2H7. Okay students, one electron or the sodium loses of the transfer of the chlorine, one electron or add of chlorine because the 7 electron presence in the chlorine and 1 electron add of the stable condition. This is systematic of one electron loses are representatives of positive charge and one electron add of negative charge. Positive charge and negative charge. Okay students, when the positive and negative charge are binded by the electrostatic force. Okay students, electrostatic force से अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है सोडियम, बिकॉज़ द सोडियम टर्म्स एंड कंडीशन 2H एंड क्लोरीन टर्म्स एंड कंडीशन 2HA. ओके, द स्टेबल कंडीशन ऑफ द सोडियम एंड स्टेबल कंडीशन ऑफ द क्लोरीन, बट सोडियम आर आइसोलेटेड गैसेस स्टेट. ओके, chlorine has a gaseous state, so gaseous state not stable form the solid state. Okay students, sodium and chlorine, one electron sodium lose kar deta hai aur chlorine usko kya kar leta hai, gain kar leta hai, tab wo ye iske stable condition mein aa jate hain. Stable condition, ye bhi stable jab 288 aa jata hai, ye bhi stable ho jata hai, 28 ho jata hai, to नेटवर्क कंडीशन. ओके, सो देखिए सोडियम एंड क्लोरीन, अब सोडियम के पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये एक फोर्स होता है जिसके द्वारा ये ऑलरेडी यहां पर बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर बाइंडेड ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, द बॉन्ड फॉर्म एज द रिजल्ट फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रो
valent electrovalent bond. Okay students, ionic bonds and the name of the electrovalent bond. ठीक है, क्वेश्चन ये आया कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन 2H. ओके, वन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया सोडियम, बट क्लोरीन जो है ये भी एक स्टेबल कंडीशन में आ गया 2H8. ओके, तो जब 2H8 ये हो गया, 2H8 ये हो गया, तो अब ये क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बॉन्ड बना रहा है? ओके, क्योंकि स्टेबल हो गया, तो स्टेबल होने के बाद इसको आगे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, किसी फोर्स से नहीं जुड़ना चाहिए. बट यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये है सोडियम, ये किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में. क्लोरीन भी किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट ऑफ द आइसोलेटेड. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. तो गैसियस स्टेट में जब कोई भी एलिमेंट्स रहता है तो वो स्टेबल कंडीशन नहीं होता. अब जब ये यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जब बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाता है NaCl. और NaCl ऐसे क्या होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. तो गैसियस स्टेट इज नॉट स्टेबल, बट सॉलिड स्टेट इज वेरी स्टेबल फॉर द गैसियस स्टेट. इसलिए सोडियम और क्लोरीन इस स्टेट्स में ये बाहर सॉलिड स्टेट बनाते हैं और इनके बीच एक फोर्स करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो आयनिक बॉन्ड मोर स्टेबल देन कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, इसलिए कि यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यहां पर आयनिक बॉन्ड हो जाता है. तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड वो बहुत स्टेबल होता है, यानी मोर स्टेबल होता है कोवैलेंट बॉन्ड से. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जनरली ये कोई बॉन्ड है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि NaCl ऐसे नहीं लिखा जाता. ओके, तो क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख देते हैं NaCl, बिकॉज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द बेयर पॉइंटेड फॉर द सोडियम एंड क्लोरीन, सो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ द कैल्शियम, कोई भी आप ले सकते हैं. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, ये अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसमें जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. बाकी की इसकी डेफिनेशन शेयर कर देंगे, इसमें बहुत सिंपल है. द बॉन्ड फॉर्म एज अ result electrostatic attraction between positive and negative ions with term of the electrovalent bond. ठीक है, बहुत क्वेश्चन है दो तरीके से. ये क्वेश्चन ये स्टेबल कंडीशन होने के बाद भी तो सबको बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हमने आपको बता दिया ये सॉलिड फॉर्म होने के लिए गैसियस फॉर्म रहता है, ये सॉलिड फॉर्म होने के लिए यहां पर बॉन्ड बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा. ओके, इसी में एक टर्म आता है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, हमको पता चल जाए स्ट्रक्चर कैसे है, सिंपल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है. बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको लुईस एक्साइटेड थे, आप जानते होंगे एसिड बेस का उन्होंने बहुत अच्छे से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटर का एसिड बेस का टर्म दिया था. और यहाँ पर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डॉट, इसीलिए नाम इसका पड़ गया डॉट. तो यहाँ पर डॉट कैसे फॉर्म होता है आपको हम बता रहे हैं. कुछ नहीं है, सेम कंडीशन वही है, सोडियम है, जैसे ये सोडियम, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा उसको हम डॉट के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा शो कर देते हैं बेटा. ठीक है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है. द लुईस फॉस्फेट आर टू स्टेबल ऑक्टेट व्हेन द लिंक बाय द केमिकल बॉन्ड, किसी भी केमिकल बॉन्ड. यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के पास सेवन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अगर लिथियम की बात करते हैं उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया. क्लोरीन की बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसके पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन है. ओके, पेयरिंग में रखने के बाद आप ऐसे कर देंगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा. ऑक्सीजन की बात करते हैं,
ऑक्सीजन का 12.6 इलेक्ट्रॉन ऑफ द मोस्ट प्रेजेंट ऑक्सीजन इट विल गॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीजन दिस वे सो द डिफरेंस कंडीशन ऑफ द सोडियम या आर एनए सो 5 इलेक्ट्रॉन सो सोडियम कॉल्ड 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड ऑफ द नाइट्रोजन ओके सो दिस इज कॉल्ड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कोशल लुईस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग ड्रग अट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर होता है ये देखिए ये सोडियम हो गया यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन है कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं इसमें बहुत एग्जांपल तुरंत समझ में आ जाता है ये 7 इलेक्ट्रॉन है यहां पर ठीक है ये ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव वाला है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है ये यहां पर क्या हुआ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो कर देते हैं अगर मैग्नीशियम क्लोराइड करेंगे तो मैग्नीशियम आप जानते हैं पॉली होता है यहां पर प्लस 2 हो जाता है बेटा क्लोराइड 2 है Cl 2 हो जाएगा यहां पर CnCl Cl के लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लग इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं ओके सिंपल एकदम लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी आगे चल के बहुत जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू द्वारा हमें पढ़ना है तो ये अभी आपको आगे चल के आ जाएगा फॉर्मल चार्ट वगैरह हम बताएंगे तो उसमें ये आ जाएगा ठीक है जितने भी कंपोनेंट्स हो जाएंगे उसमें आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम शो कर देंगे वही ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद इसमें एक टर्म आता है एनिक बॉन्ड के थ्रू जो हम समझते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी ओके इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत से बच्चे हमेशा बोलने लगते हैं कि सर जस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ द a number of electron lost gain electron is called the electrovalency but electrovalency are not possible for negative form okay yani electrovalency kabhi bhi negative form mein nahi hoti ye hamesha positive form hota hai theek hai kisi ka bhi ho chahe wo oxygen ka ho chahe nitrogen ka ho chahe sulfur ka ho jitne bhi electrons hai number of electron lost or gain jo number of electron hai kya ye kya karega gain kar dega or lose kar ठीक है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये क्या कर रहा है यार मान लो ऐड करेगा तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर लूज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी ओके ऐसा नहीं हो सकता कि आज लूज कर रहा है तो उसके पास पॉजिटिव हो जाएगा और गेन कर रहा है तो वहां पर निगेटिव हो जाएगा नो बिकॉज द इलेक्ट्रोवैलेंसी आर ओनली पॉजिटिव फॉर्म ओके कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर होता है ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है एकदम सिंपल सी बात कोई भी जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा सिंपल सी बात है अगर आप पीरियोडिक टेबल के थ्रू चलते हैं तो पीरियोडिक टेबल मान लेते हैं हमारा ग्रुप फर्स्ट है ठीक है ग्रुप 1 में अगर आप देखते हैं तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोई भी आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम ओके स्टूडेंट इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होगी क्या होगी यहाँ पर 1 होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सो इट इज कॉल्ड द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1 ठीक है 1 प्लस ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं वो प्लस रहेगा ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हम प्लस यहाँ पर लिख देते हैं बट इसी तरह सेम टू सेम हो जाएगा ग्रुप सेकंड में बेटा तो ग्रुप सेकंड की बात करते हैं ग्रुप सेकंड में क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है अगर बेरिलियम वगैरह हो गया मैग्नीशियम हो गया ये सब क्या है ग्रुप सेकंड में आते हैं ठीक है कैल्शियम कैल्शियम हो गया ये भी क्या करेगा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ओके ठीक है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अब ग्रुप फर्स्ट के बाद ग्रुप सेकंड के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं ग्रुप 13 में ग्रुप 13 ओके
ग्रुप 3 to 12 जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, तो उसको अभी हम बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ग्रुप 13, और ग्रुप 13 के जो भी मेंबर है, ग्रुप 13 के मेंबर में जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, जो भी आपने अभी तो पढ़ा चले, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, अब देखिए है तो ऑलरेडी ये नॉन मेटल जैसा, नॉन मेटल है, बट यहाँ पर ये क्या करता है कि जो भी है इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम है बेटा, जैसे सिंपल आप निकाल के देख लेंगे, जैसे एल्यूमिनियम 13 है तो 13 क्या होगा, 283 होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर देगा यहाँ पर, इसके पास इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देखना है, आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है। ग्रुप 14 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सब जो जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसमें आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करते हैं और ना ही ये लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में आप इसमें यानी ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते, ठीक है। ग्रुप 14 आर एलिमेंट्स आर नॉट फॉर्म्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, तो ग्रुप 15 में आप आएंगे, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वगैरह जो आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे आप इसमें निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, नाइट्रोजन के पास 2 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ओके। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इनकी सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, -3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, -3, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द ओनली इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेम सिचुएशन ऑफ द 16, अगर ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन सल्फर सिलिकॉन जो भी होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर, अब ऑक्सीजन सल्फर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 नहीं, बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन आर गेन, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन फैमिली आर 2। सेम सिचुएशन ऑफ द ग्रुप 17, ग्रुप 17 आर एलिमेंट्स क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके, इसकी वैलेंसी होगी 1, बिकॉज द 1 लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द 2 7 आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 7 इलेक्ट्रॉन, तो नॉट लूजेस फॉर द 7 इलेक्ट्रॉन, इफ द 1 इलेक्ट्रॉन आर गेन, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 1। बहुत सिंपल था भाई ये इलेक्ट्रोवैलेंसी। नोट कर लीजिए आप लोग, करते भी चलिए इसको। ओके, हाँ, जनरल सी बात अब हमने बताया था आपको, ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 13 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। सिंपल सी बात है, अगर डी ब्लॉक है, ओके, डी ब्लॉक का ग्रुप जो हो जाता है बेटा क्या हो जाता है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 तक जाता है, ओके, बाद में उसका सब ग्रुप जो है आप देखे थे कि यहाँ से फर्स्ट भी शुरुआत में जो हो जाए, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवेंथ भी, एंड 8 आल्सो डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, ओके। तो स्कैंडियम टू फर्स्ट, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, स्कैंडियम टू जेडन जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें जो भी पाई जाती है वैलेंसी वो कैसी होती है, वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, वेरिएबल मींस, फॉर एग्जांपल आप आयरन इज द 2 वैलेंसी +2 एंड +3,
तो इसको बहुत अच्छे से बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका टर्न होगा, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा इसमें जल्द से आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो आपका आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा इलेक्ट्रोवैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोजेस एंड गेन, इलेक्ट्रॉन चार्जेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ओनली पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बेटा अभी वो आएगा, जैसे अभी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे तो वहां पर कोवैलेंसी आ जाएगी, है ना, तो उसको फिर अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आता जाएगा। ओके, वन टर्म और है आपको ऑक्टेट रूल, जो कि आप एक बार में बता नहीं चुका हूँ आपको, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ओके, ये नोट कर लिया करिए पॉज करके आप। ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल, पोसेल एंड लुईस 1916 में एक डेवलप किया था, पोसेल एंड अकॉर्डिंग टू पोसेल एंड लुईस 1916 डेवलप ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन की एक थ्योरी दी है उन्होंने, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम नोन एज, बिटवीन एटम नोन एज, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ओके, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर गेन और लूजिंग। ओके, ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूजिंग और गेन, loses are gained by the valence sharing of valence electron in order have octet, their valences, their valence shell or valence shell are represented of the any electrons of the outermost shell electron present in the, okay, outermost shell electron present in the, because the sodium are 2 8 1, one electron of the valence shell present of the electrons in octet, their valence electron order have two octet rule, losing or gaining. What is called the different structure or the octet rule represented of the structure of valence shell present, for example for H2O. Okay, H2O octet rule structure form karenge, आप इस डॉट स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ऑक्सीजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, यहाँ पर H2 है, एक H इलेक्ट्रॉन कितना होता है H में, H एक इलेक्ट्रॉन के लिए H में होगा, ये यहाँ पर वैलेंस सेल के लिए आप ऐसे स्ट्रक्चर शो कर देंगे, वैलेंस सेल के लिए ये, ओके, ये देखिए वैलेंस सेल का स्ट्रक्चर ब्लॉक हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, कंबाइंड विद द लूजिंग और इलेक्ट्रॉन्स होगा, जब कंबाइंड होगा स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, देखिए ये, ओके, वन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये देखिए वन वन इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, टू टू इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर फ्री हो जाएगा, ये एच है और यहाँ पर ऑक्सीजन है,
इसका ये स्ट्रक्चर लाइक दैट, आप स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर देंगे कि ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स आपके शो होते रहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, अगर देखें तो यहाँ पर कंबाइन कितने हो रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टू 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 यानी एट इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंडीशन एंड ऑक्टेट आर फॉलो, ठीक है, हाइड्रोजन एंड गैलियम आर डुप्लेट कंडीशन फॉर प्रेजेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन एंड ऑल कंपोनेंट्स या ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द एट इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द along with the carbon atoms attachments of octet electron. For example, let's CCl4, carbon tetrachloride, okay? Carbon tetrachloride, अब carbon tetrachloride भी carbon भी octet rule follow करेगा और chlorine भी आपको follow करेगा. Carbon tetrachloride CCl4, ये आपका CCl4 है. जल्दी देखिए मैं structure आपको बना दे रहा हूँ. Carbon 1, 2, 3, 4 and chlorine outermost shell presence of the 7 electron. Seven electron आपको form कर देना है ये Lewis dot structure के through. अगर आप देखेंगे तो same उसी तरह ये क्या chlorine का है, ये कार्बन का है, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा बेटा. और ये ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे ये कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, इसी में क्लोरीन अगर ऐड हो जाए, ये भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ओके, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का, ये कार्बन का, ये क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन, ओके, सब ये क्लोरीन है, ये सब में आप लिख भी सकते हैं. अब बाकी यहाँ पर अगर शो हो रहा है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेंगे नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड कंडीशन में हो जाएंगे. इसको अभी डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे हम, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड. ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब कार्बन के पास बेटा ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, 2 2 2 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है 1 2 3 4